बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 9th यूनिट 1 मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स, और इसके आज हम इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। नंबर 1 है कि इफ ए इज इक्वल टू 1 माइनस 2 3 एंड 4 देन नेगेटिव ऑफ ए इज। नेगेटिव ऑफ ए डिफाइन करते हैं चेंज द साइन ऑफ ईच एंट्री ऑफ मैट्रिक्स ए। तो मैट्रिक्स ए के हर नंबर का साइन चेंज कर दें तो नेगेटिव ऑफ ए बन जाता है। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इस एमसीक्यू का करेक्ट ऑप्शन है ए, तो हम ए को सर्कल करेंगे। सेकंड है कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए, ए इनवर्स इज इक्वल टू माइनस ए, ए ट्रांसपोज इज इक्वल ए माइनस ए ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। सबसे पहले हम देखते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन है नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, एंड अ मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं कि जिसका ट्रांसपोज लें तो वही मैट्रिक्स आ जाए। तो डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, तो डी को हम सर्कल करेंगे। थर्ड है कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड सिंगुलर इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू ज़ीरो, ए इज इक्वल टू ज़ीरो, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट इक्वल आ जाए ज़ीरो के, उसे हम कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। इसकी एक एग्जांपल चेक करते हैं। आपके पास ये मैट्रिक्स ए है, इसमें देखें वैल्यूज़ हैं 2, 3, 6 और 9। डिटरमिनेंट लेने के लिए पहले हम इस 2 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, दरमियान में माइनस का साइन, फिर हम 3 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 9s are 18, माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 6s are 18, 18 minus 18 इज इक्वल टू 0। तो डिटरमिनेंट 0 आ गया, तो इसका बेटा करेक्ट ऑप्शन होगा बी कि ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट 0 हो उसे हम कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। फोर्थ वन है कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0, ए इज इक्वल टू 0, डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू 0। इससे पहले वाले मैट्रिक्स में हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आपके पास डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 आ जाए तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स होता है, और अगर नॉन ज़ीरो हो तो वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। जैसे डेफिनेशन देख लें इसकी, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इज आल्सो स्क्वायर मैट्रिक्स हुज डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी जो कि है डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0। फिफ्थ है ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू। सिर्फ ए बी होल इनवर्स दिया हुआ है, साथ कुछ भी नहीं गिवन है। इसमें देखें ऑप्शन है ए इनवर्स बी इनवर्स, बी इनवर्स ए इनवर्स, बी मल्टीप्लाई बाय ए और ए मल्टीप्लाई बाय बी। बहुत से बच्चे इस ऑप्शन में ए को सर्कल करते हैं जो कि करेक्ट ऑप्शन नहीं है। आप बेटा हमेशा याद रखना कि जब भी आपके पास इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए तो इसमें जो लेफ्ट हैंड साइड पे पहले नंबर लिखा होता है राइट हैंड साइड पे वो बाद में लिखा जाएगा। जैसे इस एग्जांपल में देखें ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, सी डी होल इनवर्स इज इक्वल टू डी इनवर्स सी इनवर्स। तो इसका बेटा करेक्ट ऑप्शन होगा बी, तो हम बी को सर्कल करेंगे। ये ट्रांसपोज पे भी सेम यही रूल अप्लाई होता है कि अगर आपके पास ए बी होल ट्रांसपोज हो तो इक्वल होता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के। सिक्स है कि इफ ए इज अ मैट्रिक्स देन इस ट्रांसपोज इज डोनेटेड बाय ए इनवर्स ए ट्रांसपोज माइनस ए ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी ए ट्रांसपोज, तो हम इसको सर्कल करेंगे। सेवन है कि
इफ ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स ए बी सी एंड डी देन द डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज, ऑप्शन ए है ए डी माइनस बी सी, बी है बी सी माइनस ए डी, ए सी है ए डी प्लस बी सी और डी है बी प्लस ए डी। तो इसे हम सॉल्व करते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए, जैसे पहले हम एम सी क्यूज में डिस्कस कर चुके हैं, पहले हम इस ए को डी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दरमियान में माइनस का साइन, फिर हम इस बी को सी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बन जाएगा ए डी माइनस बी सी। तो इसके अकॉर्डिंग जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, तो ए को हम सर्कल करेंगे ए डी माइनस बी सी। नेक्स्ट एट है सर्कल दी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये हमारे पास चार मैट्रिक्स गिवन है, इन में से हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स सर्कल करना है। सबसे पहले देखें बेटा, किसी भी मैट्रिक्स में ये जो वैल्यूज़ हैं ये 1, 6 और 0, इनको हम कहते हैं डायगनल इंट्रीज। तो किसी भी मैट्रिक्स की ये डायगनल इंट्रीज़ अगर 1 हो जाएं और बाकी तमाम इंट्रीज 0 हों उसे हम कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी, तो हम सी को सर्कल करेंगे। 9 इफ एक्स प्लस मैट्रिक्स -1, -2, 0, -1 इज इक्वल टू 1, 0, 0, 1 देन एक्स इज इक्वल टू, चार ऑप्शन है। सबसे पहले बेटा हम इसको सॉल्व करेंगे, एक्स के साथ जो मैट्रिक्स ऐड हो रहा है इसे इक्वेशन के दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे। यहाँ पे देखें इसका साइन प्लस है, दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। सॉल्व करते हैं, 1 -1, 0 -2, 0 -0, 1 -1। ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा, ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होके प्लस होगा और ये वाला भी माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा। तो बेटा 1 + 1 ऐड करेंगे 2, 0 + 2 भी 2, यहाँ पे 0 आ जाएगा, 1 + 1 = 2। तो यहाँ से सॉल्व करने से हमें पता चला इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, तो हम डी को सर्कल करेंगे। 10 है एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स 1, -2, 0, -1 इज, तो चार इसके ऑप्शन है। सबसे पहले हम देखते हैं एडिटिव इनवर्स की डेफिनेशन। एडिटिव इनवर्स ऑफ एनी मैट्रिक्स इज नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स का जो नेगेटिव है उसे हम उसका एडिटिव इनवर्स कहते हैं। तो इस मैट्रिक्स का जो नेगेटिव है वो ऑप्शन सी है, तो हम सी को सर्कल करेंगे। नेक्स्ट 11 है कि मैट्रिक्स √2, 0, 0, √2 इज कॉल्ड। हमने बताना है कि हम इस मैट्रिक्स को ज़ीरो मैट्रिक्स कहेंगे, यूनिट मैट्रिक्स कहेंगे, स्केलर कहेंगे या सिंगुलर कहेंगे। तो मेरे बच्चों यहाँ पे देखें, कोई भी मैट्रिक्स लें, जैसे मैट्रिक्स ए है, इस मैट्रिक्स में ये जो इंट्रीज हैं 1, 6 और 0 इन्हें हम कहते हैं डायगनल इंट्रीज। तो किसी भी मैट्रिक्स में ये डायगनल इंट्रीज अगर 1 हो जाएं, बाकी तमाम इंट्रीज 0 हों उसे हम कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहाँ पे डायगनल इंट्रीज 1 नहीं है तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं हो सकता। तो नेक्स्ट देखें, किसी भी मैट्रिक्स की डायगनल इंट्रीज सेम हो जाएं एक्सेप्ट 1 के अलावा कोई भी वैल्यू आ जाए तो उसे हम कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। जैसे यहाँ पे √2 और √2 डायगनल इंट्री सेम है, बाकी तमाम इंट्री 0 हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी, जो कि है स्केलर मैट्रिक्स। नंबर 12 है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स 1, 2, 0, -1 इज, इसके चार ऑप्शन हैं। तो बेटा एडजॉइंट में
ये जो डायगनल एंट्रीज होती हैं जो कि है वन और माइनस वन, इनकी हमेशा प्लेसेस चेंज करते हैं, और ये जो बाकी दो एंट्रीज हैं इनके साइन चेंज करते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, तो हम ए को सर्कल करेंगे। नंबर 13 है, इफ़ ए इज़ इक्वल टू डिटर्मिनेंट 263 एंड एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो, देन एक्स इज़ इक्वल टू, कि अगर आपके पास इसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो के इक्वल हो तो उसकी वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन है 6, माइनस 6, 9 और माइनस 9। तो हम पहले भी MCQs में पढ़ चुके हैं, डिटर्मिनेंट लेने के लिए पहले हम इस 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, और उसके बाद हम 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद 2 मल्टीप्लाई बाय x 2x, 6 मल्टीप्लाई बाय 3 18, दरमियान में माइनस का साइन, ये माइनस 18 यहाँ से यहाँ लेके जाएंगे प्लस 18 हो जाएगा, 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ ला के डिवाइड करेंगे, 18 को 2 से डिवाइड करें तो आंसर आता है 9, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी जो कि है 9, तो हम सी को सर्कल करेंगे। 14 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंगुलर मैट्रिक्स, इन चारों में से सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सा है। तो हम पहले पढ़ चुके हैं, ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो के इक्वल हो उसे हम कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। तो हम यहाँ पे देखें, डिटर्मिनेंट लेते हैं सी मैट्रिक्स का जो कि 1 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 6 इज़ इक्वल टू 6, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज़ इक्वल टू 6, 6 माइनस 6 इज़ इक्वल टू 0, तो सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, इसे हम सर्कल